friends, welcome back to our channel. The three articles which we are going to discuss today are, first two are about how we have seen GDP का एक positive trend आया 0.6% का 0.4% का in the third quarter, और third article जो हमारा है ये US और ईरान के बीच में जो अभी joint comprehensive plan of action हुआ है उनके बीच उसके बारे में. So let's start. द फर्स्ट आर्टिकल इज़ अबाउट कि कैसे हमारी GDP 0.4% ग्रो हो गई है इस फाइनेंशियल ईयर में. ये डाटा NSO ने निकाला है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और ये एस्टिमेट बताया जा रहा है कि पिछली बार इतना ज़्यादा कोविड टाइम्स में कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अब ये एक्सपेंशन देना एक रे ऑफ होप की तरह हो रही है कि इकॉनमी इज़ रोलिंग बैक टू फ्रॉम रिसेशन. द सेक्टर वाइज डिसएग्रीगेट डाटा शो दैट. देखो, एक बात तो आपने सबने देखी होगी, सबसे ज़्यादा जो एक सेक्टर बड़ा है कोविड हो नॉन कोविड हो वो है एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर ने फोर्थ क्वार्टर में 3.9% का ग्रोथ दिखाया है, ओवरऑल पूरे टाइम में 3% का ग्रोथ दिखाया है. इसलिए दिखाया जा रहा है कि एग्रीकल्चर इज़ अ वाइटल पार्ट. इंडस्ट्रियल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी उठे हैं, पर देखो कोविड टाइम पे तो सब बंद हो गए थे. ठीक है, इकॉनमी बहुत ज़्यादा, मतलब कंस्ट्रक्शन ऑल तो फिर बिल्कुल भी चल ही नहीं रहा था. पर एक चीज़ ये भी आपने देखी होगी, इसमें बताया गया है कि जैसे ही इकॉनमी खुली वैसे ही कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग ने स्टार्ट कर दिया. वाल द फाइनेंशियल रियल स्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विस सेगमेंट हैव रिबाउंडेड स्ट्रॉन्गली. ठीक है, रियल स्टेट और प्रोफेशनल सर्विस हो गई. द लेबर इंटेंसिव होटल, ट्रेड और कम्युनिकेशन अभी भी नहीं चलेगा क्योंकि ऑब्वियसली कोविड टाइम्स हैं, अभी भी वैक्सीनेशन प्रॉपर रोल आउट नहीं हुई है, बहुत सारे लोगों ने नहीं लगाई है. तो जब तक ये सेक्टर नहीं ठीक होता है तब तक इकॉनमी वापस नॉर्मल में नहीं आएगी. तो द पेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हैज मॉडरेटेड, इट हैज़ इंडिकेटेड अ कंटिन्यूस चैलेंज फेस्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट एंड इंटेंसिव सेगमेंट्स. ऑब्वियसली दिस इज़ कंस्ट्रक्शन सेक्टर, एंड हाउस होल्ड स्पेंडिंग भी अभी कंस्ट्रेन रही है, थोड़ा बहुत पिकअप हुआ है, ज़्यादा नहीं. दैट्स दिस आर्टिकल डजंट कंटेन मच रेलिवेंट पॉइंट्स. सेकेंड आर्टिकल भी यही कह रहा है, द रिवीजन ऑफ करंट फिजिकल कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम 7.7% फोरकास्ट इन जनवरी टू 8% नाउ इज इन द सेकेंड एडवांस एस्टिमेट इज़ नॉट सरप्राइजिंग. देखो, पहले 7.7% का कॉन्ट्रैक्शन होता अब 8 का, ये सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि भैया इकॉनमी तो गिर रही है, कोविड के टाइम से गिरती ही रहेगी. पर अभी जो प्रोविजनल एस्टिमेट आया उसमें एक रे ऑफ होप दिख रही है कि हाँ आगे इकॉनमी बढ़ सकती है. ठीक है, तो द इकॉनमी हैज़ मूव्ड अप फ्रॉम अ स्टीप ऑफ 15.9% कॉन्ट्रैक्शन इन द फर्स्ट हाफ टू फ्लैटेस्ट ग्रोथ इन द सेकेंड हाफ. पहले 15.9% का कॉन्ट्रैक्शन था, बट सेकेंड हाफ में एक फ्लैटेस्ट, बहुत हल्की 0.54% ग्रोथ दिखाई दे रही है. ठीक है, तो फर्स्ट ये क्यों हो रही है, ऑथर ने चार रीज़न दिए हैं. फर्स्ट इज़ द फॉर्चुनेट कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल लर्निंग. देखो, लोगों ने कोविड के साथ रहना सीख लिया, तो इसीलिए जो इतना ज़्यादा मिलियन में जो लोग केसेस बढ़ रहे थे 701 से, वो 113 पे आ गए हैं. तो अब देखो इकॉनमी में रेस्ट्रिक्शन भी खुलने लगे हैं, लोग अगर सीख गए. सेकंड, ये बताया गया कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है, चाहे 2% बढ़ाओ पर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हाईवेज, रियल स्टेट सब में गवर्नमेंट ने थोड़ा थोड़ा किया, तो गवर्नमेंट के पुश से एक प्राइवेट सेक्टर को भी पुश मिला है और बढ़ा है. थ्री, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी रिबाउंडेड क्विकली वंस सप्लाई रेस्ट्रिक्शन वर लिफ्टेड. आई टोल्ड यू अबाउट दिस कि जैसे ही रेस्ट्रिक्शंस उठे हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी भी वापस रिबाउंड की है तुरंत. ठीक है, हल्की हल्की, अब ये भी नहीं कह सकते आपके सीधे 5% के, पर हाँ मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल हैव आल्सो रिबाउंडेड बैक. अ शिफ्ट इन द स्पेंडिंग अवे फ्रॉम सर्विसेज टू परचेज आइटम्स आल्सो हैव बीन कंट्रीब्यूटेड. ऑब्वियसली क्योंकि देखो सर्विसेज में अभी होटल्स एंड ऑल थोड़ा सा धप चल रहे, तो परचेज पर आपकी बढ़ रही है, तो इससे ये हो रहा है ना कि मैन्युफैक्चरिंग को पुश मिल रहा है कहीं ना कहीं. ठीक है, तो इंटरेस्ट, अब इसमें इन्होंने नेगेटिव भी बताया, उन्होंने ये कहा है कि इंटरेस्ट रेट सपोर्टिव हैं पर प्राइस राइज बढ़ रहा है, क्योंकि देखो मैं कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं पा रहे हैं, आइटम्स बन नहीं पा रहे हैं, तो हमारे पास सप्लाई नहीं हो रही, तो प्राइस राइज एक इसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हो रहा है. ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर का GDP 3% पे पूरा ग्रो हुआ है. टोल्ड यू नॉर्मल मानसून रहे, सब कुछ अच्छा रहे, गवर्नमेंट की सपोर्टिव स्कीम्स रही हैं, मनरेगा PM के साथ, इससे एग्रीकल्चर को एक अच्छा पुश मिला है. नेक्स्ट फिजिकल ईयर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि GDP 11% से ग्रो होगा, येट द पेस विल रिटर्न टू द प्री पैंडमिक. देखो हम लोग कह रहे हैं कि नेक्स्ट में ग्रो करेगा, पर प्रॉपर पेस तो सेकेंड क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर में इमीजिएटली आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इकॉनमी 11% से ग्रो होगी. ठीक है, तो और ओवरऑल हम सिर्फ 2% हाइयर जा पाएंगे 2019-20 से, तो इसका मतलब हम लोग एक लॉस ऑफ 11% GDP
हमें हुआ है इस कोविड के टाइम से। अब इसमें आगे यही बताया गया कि बहुत सारे स्कार्स हैं जो कि इजीली बस हाई ग्रोथ की वजह से ही जाएंगे, और टाइम लगेगा इकॉनमी को प्री पैंडमिक लेवल में आने में, नॉर्मलसी लाने में। ठीक है, स्मॉल बिजनेस और अर्बन पुअर अभी भी पुअर रह जाएंगे, सिर्फ बिग टेक की वजह से ही थोड़ा पुश हो रहा है। आई थिंक कल या परसों के आर्टिकल में भी सेम चीज़ बोली गई थी, द इफेक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्सीन एंड हर्ड इम्यूनिटी आएगी तो थोड़ा सा लूम मिल सकता है। ठीक है, पर अभी भी महाराष्ट्र और केरला में जो केसेस राइज हो रहे हैं उससे ये पता चल रहा है कि अभी भी आप प्रॉपर रिकवरी फेज में नहीं आए हैं, तो रेस्ट्रिक्शंस कभी भी लग सकते हैं, एक लोकलाइजेशन रेस्ट्रिक्शंस लग सकती है ना, तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। बट इवन एज फिजिकल पॉलिसी रिमेन सपोर्टिव, मॉनिटरी पॉलिसी के भी लिमिटेड कॉन्सिक्वेंसेज है। फिजिकल पॉलिसी आप कितनी बढ़ा लो, मॉनिटरी पॉलिसी एक पॉइंट तक जा सकती है, तो पॉइंट ये हो रहा है कि अभी भी विड्रॉल अगर पॉलिसी सपोर्ट हो गया तो इकॉनमी फिर से गिर जाएगी। तो एक चीज़ ये देखने वाली होगी कि कब तक कितना सपोर्ट इकॉनमी और ये चलती रहेगी, कितने टाइम तक इनको सपोर्ट चाहिए कि ये बढ़े और फिर अपने आप बिना गवर्नमेंट सपोर्ट के फिजिकल पॉलिसी के चल पाए इकॉनमी वापस। ठीक है, तो लास्ट में यही बोला गया है, बट फॉर अ ब्रॉडर एंड मोर सस्टेनेबल रिवाइवल द ट्रिगर विल स्टिल नीड टू कम फ्रॉम गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि देखो प्राइवेट नहीं कर रहा है। विद हाई मल्टीप्लायर्स क्राउडिंग इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट द लिफ्ट इन द इन्वेस्टमेंट ग्रोथ 2.6% इन द थर्ड क्वार्टर प्रोवाइड सम होप ऑब्वियसली। तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। द लास्ट आर्टिकल विच वी आर गोना डिस्कस इज अबाउट US एंड ईरान। आपको नहीं पता है तो एक जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है US, ईरान और मल्टीपल पार्टीज के बीच में कि ईरान अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट एक पॉइंट से ज़्यादा नहीं करेगा। ठीक है, बीच में डोनाल्ड ट्रंप के दिन में उन्होंने ये छोड़ दिया था, तो ईरान ने सैंक्शन लगा दिए थे और लीव कर दिया था, तो ईरान ने भी अपना एनरिचमेंट बढ़ा दिया। पर न्यूक्लियर पावर के लिए तो 99 बहुत ज़्यादा कैपेसिटी में से उन्होंने उतना नहीं बढ़ाया, उन्होंने थोड़ा बहुत था। तो वाशिंगटन ने इंसिस्ट किया। अब देखो जो बाइडन की रीन में वो ये कह रहे हैं कि वो वापस तो आ जाएंगे, बट ईरान को कंप्लायंस, पहले ईरान कंप्लायंस करे उसके बाद हम वापस आएंगे। जबकि इस पूरे आर्टिकल में यही बताया गया कि ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के जाने के एक साल बाद तक भी कंप्लायंस किया, उसके बाद भी अब ये लोग कह रहे हैं कि अब हम वापस आ रहे हैं, उसका भी भुगतान करो। ठीक है, देखो US क्या चाहता है, US ये चाहता है कि ईरान जो होते रीजनल पार्टी, अब US अपने रीजनल पॉलिसीज़ को इसमें पॉलिसी में इंटीग्रेट करता जा रहा है। वो ये चाह रहा है कि ईरान ग्रुप्स को कुछ सपोर्ट ना करे जो कि टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, और असद रजीम को सपोर्ट ना करे। बट दीज डिमांड आर बेस्ड ऑन स्ट्रेंज टॉपिक कि ईरान भाई तो ईरान कंप्लाई ये करे, जबकि उसने पे प्राइस US का ऑलरेडी एक साल बाद तक किया और तब भी ईरान इस पे करे। तो अमेरिकन डिमांड्स एंड यूरोपियन पावर कंकरेंस विद देम आर बेस्ड ऑन द बिजार रीजनिंग दैट पार्टी वॉज इन ऑब्जर्वेंस ऑफ द अग्रीमेंट मस्ट पे द प्राइस फॉर द रिटर्न। सेम थिंग इट दे हैव सेड अगेन एंड अगेन कि आप जो पार्टी कर रही है उनके रिटर्न के लिए भी कर। तो US-EU अप्रोच हैज़ इग्नोर ये कर दिया है, उन्होंने ये इग्नोर कर दिया कि ईरान ने एक्चुअली स्टार्ट किया ही क्यों था न्यूक्लियर एनरिचमेंट। सबसे पहले इन्होंने ये बताया आफ्टर द रेवोल्यूशन अयातोला खोमेनी, आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनंसिएटिंग इट राइट, आई एम सॉरी इफ आई प्रोनंसिएटेड इट रॉन्ग। तो इन्होंने ये कहा था कि किसी भी कंडीशन में ईरान न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा मास डिस्ट्रक्शन के लिए, क्योंकि अन इस्लामिक होते हैं। और ईरान ने इस पॉलिसी से चला, अब ईरान इराक वॉर में भी चला, पर जब ईरान ने ये देखा कि जो सदम हुसैन है तो वो क्या कहते हैं, वो पॉलिसी वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रहे हैं, US उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, तब ईरान ने भी सोचा कि हाँ मैं आओ। इवन US उनको एग्रीकल्चर क्रेडिट्स के नाम पे इतना पैसा दे रहा था क्योंकि रशिया और फ्रांस से खरीद रहे थे। तो यही चीज़ इस पूरे में बताती है कि वेस्ट ही कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल था ईरान का इस रिजीम में आने के लिए। अब वेस्ट इतना ना पुश करे ईरान को कि वो अपनी कैपेबिलिटी से बाहर चल जाए और फिर वो अपना एनरिचमेंट शुरू ही कर दे। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल फॉर द टुडे, दिस आर्टिकल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट।